आचार्य विद्यासागर जी की जीवनी। आचार्य विद्यासागर का प्रारंभिक जीवन। विद्यासागर का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगाम जिले के सदलग्गा में पूर्णिमा त्योहार शरद पूर्णिमा के दौरान हुआ था। दीक्षा उन्हें 1968 में आचार्य ज्ञान सागर, जो कि अजमेर में आचार्य शांति सागर के वंश से थे, 8 साल की उम्र में दिगंबर सन्यासी के रूप में जीवन शुरू किया गया था। कार्य आचार्य विद्यासागर संस्कृत और प्राकृत के विद्वान हैं और हिंदी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं को जानते हैं। उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, हिंदी ऐसी भाषाओं में लिखा है। उनकी परंपरा आचार्य विद्यासागर आचार्य शांति सागर द्वारा स्थापित परंपरा से संबंधित है। आचार्य शांति सागर ने आचार्य वीर सागर की शुरुआत की, जो तब आचार्य शिव सागर, आचार्य ज्ञान सागर और अंत में आचार्य विद्यासागर द्वारा सफल हुए उनकी यात्रा। आचार्य विद्यासागर ने अपने विहार के दौरान श्रद्धा की अगुवाई की। श्रद्धा में राहगीरों ने घुटने टेक दिए। पारंपरिक दिगंबर जैन भिक्षु के रूप में आचार्य विद्यासागर वर्षा अर्थु के 4 महीनों चातुर्मास को छोड़कर कभी भी एक से अधिक दिनों तक एक ही स्थान पर नहीं रहते। जीवनी उनके शिष्य मुनि क्षेम सागर ने उनकी जीवनी आत्मान्वेषी लिखी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद इन द क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के रूप में किया गया था और इसे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किया गया था।